असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद आरिफ बलोच का तबादला। प्रोसिक्यूटर आरिफ बलोच को बहावलनगर से जिला मुजफ्फरगढ़ में लगा दिया गया। मोहम्मद आरिफ बलोच ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद कालैया में जलूस रूट्स का दौरा। डीएसपी सदर रमीज बुखारी के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर म्युनिसिपल अमले को सराहा। जलूस को मुकम्मल थ्री लेयर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। मुल्तान में मुहर्रम अल-हराम के पहले अशरे की मुनासिबत से तबरकात के स्टाल ज़ादार अज़ाख़वानी सजाने और अपनी मन्नतों के लिए तबरकात की खरीदारी करने लगे। अलम हजरत गाजी अब्बास बेड़ियां कलाबे और हथकड़ियों की खरीदारी। ज़ायरीन तबरकात को खरीद कर वाकई करबला की इशात ताज़ा करते हैं। और डीजी खान में गर्मी की शिदत बददस्तूर बरकरार। 12-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्तान में आज मतला जज्बी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी। बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं।